एक और जहां बारिश की वजह से भारत और कनाडा का मैच रद्द हुआ, वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जो खिलाड़ी कर रहा था अपने संन्यास की तैयारी, वह अब सुपर 8 मुकाबले में करेगा डेब्यू। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को लेकर किया बड़ा ऐलान। इस ऐलान से न सिर्फ भारतीय बल्कि खिलाड़ियों में भी मची खलबली। बता दें कि यह खिलाड़ी भले ही संन्यास ले चुका है, लेकिन इससे गेंदबाजी में अभी भी वही पराठेदार बीच है जो किसी को भी क्लीन बोल्ड कर सकती है। तो कौन है वह खिलाड़ी, आइए जानते हैं। ऐसा लगता है मानो यह खिलाड़ी आते ही तहलका मचाएगी, और क्या पता इस खिलाड़ी के आने से भारतीय टीम की किस्मत सच में पलट जाए। बता दें कि यह खिलाड़ी उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन इनकी जोश और फुर्ती देखने लायक है। यह खिलाड़ी उन उम्दा खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने कई देशों में छक्के छुड़ा दिए। बस यही वजह है कि रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को लेकर प्लेऑफ के पहले मुकाबले में ही अपना मन पक्का कर लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो यह खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस खिलाड़ी के लिए। जानते हैं इसके पीछे की वजह। बॉल फरमाए तो भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी लगातार खराब रही है। विराट कोहली का बल्ला भी इस बार नहीं चल पा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से देखें तो भारतीय टीम के सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा रहा है, और ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने मैच को अपने दम पर जीतने की पूरी कोशिश की है। बात करें तो हम देखेंगे कि भारत 2007 के बाद लगातार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अभी तक अपने नाम नहीं कर पाया है। इसलिए भारतीय खिलाड़ियों के बीच इसको लेकर भी काफी टेंशन का माहौल है। लेकिन इस बार रोहित शर्मा को उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, इसलिए इस खिलाड़ी का टीम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज हैं, जबकि रोहित शर्मा खुद काबिल खिलाड़ी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। वेस्ट इंडीज में खेले गए मैचों की बात करें तो साफ तौर पर देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों में कहर ढाया है। ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार कनाडा के खिलाफ रोहित शर्मा इस खिलाड़ी को ट्रायल के तौर पर उतारना चाह रहे हैं, ताकि उनके प्रदर्शन का लोगों को पता चल सके। दरअसल रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल को मौका देने की सोच रहे हैं। युजवेंद्र चहल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी समय से टीम इंडिया से बाहर है, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, इसलिए रोहित शर्मा ने उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि चहल की खासियत यह है कि उनके गेंद पर जैसे चौके लगते हैं, वैसे ही विकेट भी लेते हैं। इस वजह से रोहित शर्मा ने उनको मौका देने का निर्णय लिया है।